के पॉजिटिव मरीज केवल सरकारी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करा सकते हैं। कोरोना के पॉजिटिव मरीज के सिम्टम्स पाए जाने के बाद उसे सर्वप्रथम रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। वहीं बुजुर्गों और बच्चों में सिम्टम पाए जाने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में बने कोविड 19 वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के लिए गोरखपुर में रेलवे हॉस्पिटल और BRD मेडिकल कॉलेज में इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा किसी को यह परमिशन नहीं है कि वह प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सके। अभी तक ऐसा कोई शासनादेश या ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है। गोरखपुर में अभी तक किसी भी प्राइवेट अस्पताल को कोविड के मरीजों को भर्ती करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं वो केवल सरकारी जो हमारे अस्पताल हैं, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, जैसे गोरखपुर में रेलवे हॉस्पिटल, और अगर सिम्टम्स हैं या बूढ़े लोग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं उनको हम BRD मेडिकल कॉलेज में रखते हैं। इसके अतिरिक्त उनको ये परमिशन नहीं है कि वो किसी नर्सिंग होम में जाके रहें और इलाज कराएं। अभी तक ऐसा कोई शासनादेश, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है और गोरखपुर में स्थिति यही है। कमोबेश उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है कि किसी भी प्राइवेट संस्था में या हॉस्पिटल में अभी कोविड के मरीज को भर्ती करने की परमिशन नहीं दी गई जो पॉजिटिव आए। कोरोना से बचाव के लिए आम जनमानस को क्या करना चाहिए? आम जनमानस से मैं वही अपील बार बार करना चाहूँगा कि लोग हाथ धोएं, रेस्पिरेटरी जो प्रोटोकॉल है उन्हें फॉलो करें, जैसे कि छींकना है तो मास्क लगाएं, छींकना है तो बाह में छींकें, किसी के सामने नहीं छींकें। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा कारण है कि हम उसको पालन नहीं करते और संक्रमित होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक सोशल डिस्टेंसिंग को अवश्य ध्यान में रखें कि हम कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से बात करें, और अगर हम साफ़ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो, और बिना हाथ धोए अपने नाक कान आँख मुँह को नहीं छुएं, तो समझिए कि हम अपनी बचत खुद भी कर रहे हैं, और अगर हम मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो हम संक्रमित हैं तो हम संक्रमण दूसरे को भी नहीं दे रहे हैं, उसमें भी बचाव हो रहा है। तो मेरी अपील है कि लोग इन चीज़ों को पालन करें, मास्क पहनें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, अनावश्यक रूप से बाज़ार ना जाएं, जहां आप बहुत आवश्यक हो वहीं जाएं, अस्पतालों में भीड़ ना लगाएं, अस्पतालों में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, टाइम स्लॉट निर्धारित हो जाए कि इन 10 लोगों या 5 लोगों को अमुक डॉक्टर इतने बजे से इतने बजे तक देख लेगा, उस तरह से दूरी बना के खड़े होके या सीट पे बैठ के अपना इलाज कराएं। ये मेरी अपील है। ख़ास करके अस्पतालों में बिल्कुल भीड़ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो वहाँ तमाम बीमार ही होते हैं, और अगर किसी को भी संक्रमण लग गया तो सभी जानते हैं कि अगर पहले से बीमार व्यक्ति को कोरोना के पॉजिटिविटी आती है या कोरोना उसमें अफेक्ट करता है तो उसकी कंडीशन ज़्यादा गड़बड़ होती है बनिस्पत एक सामान्य व्यक्ति के। तो बीमारों को तो बहुत ही भय रहता है, इसलिए उनसे हमारी अपील है कि ख़ास करके अस्पतालों में दिखाने जाने पर इन सब चीज़ों का, मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ में नहीं खड़े होना, ये ध्यान रखें।